गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन दोस्तों, और मुख्य रूप से एनओसी को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। एनओसी को लेकर के कई तरह के कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं और काफी समस्याएं हो रही है एनओसी बनवाने में दोस्तों, तो हम लोग आज के इस वीडियो में उन सारे समस्याओं को सॉर्ट आउट करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं, और आपके बहुत से कमेंट्स भी आए हुए हैं एनओसी को लेकर के दोस्तों, तो उन कमेंट्स को भी लेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और उससे मैं एक वीडियो बना दूंगा। बहुत से फोन वगैरह भी आप लोग का आ रहा है, तो सारा का फोन अभी रिसीव करना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, आप लोग खुद समझिए। एक तो प्रिपरेशन का दौर चल रहा है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट से आप लोग के लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए एनओसी को लेकर के चल रहा है कि एनओसी का फॉर्मेट क्या है। बहुत से क्वेश्चन इस वजह से भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि कई तरह के फॉर्मेट मार्केट में घूम रहे हैं दोस्तों। पंचायत शिक्षक कह रहे कि हम लोग किस फॉर्मेट पे काम करें, प्रखंड शिक्षा किस तरह से काम करे, नगर शिक्षा कौन सा एनओसी का फॉर्मेट पे काम करे, तमाम तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत लोग बीओ से साइन करवा रहे हैं बीआरसी में जा करके, तो बहुत तरह की चीजें चल रही हैं। तो मैं आपको स्पष्ट एकदम क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि जो फॉर्मेट जो आपका होगा वो आपका एक तो प्रधानाध्यापक एचओडी का जो साइन है, ठीक है, और दूसरा आपका जो नियोक्ता होगा, जैसे कि पंचायत जो शिक्षक हैं उन लोगों का जो नियोक्ता है वो सचिव है, ठीक है, जो पंचायत सचिव होता है, ठीक है ना, पंचायत सचिव जो होता है, ये आपका पंचायत सचिव जो है वही आपका साइन करेंगे दोस्तों, ठीक है, एकदम कंफर्म आप ये मान लीजिए, और इन्हीं से साइन करवाना है आपको अपने एनओसी पे, ठीक है ना। ये चीज हुई। दूसरी चीज, जो प्रखंड शिक्षक है, ठीक है, जो प्रखंड शिक्षक हैं वो लोग क्या करें, तो जो भी प्रखंड शिक्षक हैं ब्लॉक में जो हैं वो लोग जो कार्य करेंगे वो बीपीआरओ पंचायती राज अधिकार होता है, ये पंचायती राज ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो बीपीआरओ यही आपको नियुक्ति पत्र दिए थे, इन्हीं के साइन से आपको नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ था, तो एनओसी भी आपको यही देंगे, ठीक है। दूसरे जो नगर के अंतर्गत आते हैं, तो जो नगर के अंतर्गत आते हैं कार्यपालक सहायक होते हैं, ठीक है, कार्यपालक सहायक होते हैं, ये आपको नियुक्ति पत्र दिए थे और एनओसी भी आपको यही देंगे, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनओसी में जो पंचायत के शिक्षक हैं, ठीक है, जो पंचायत शिक्षक हैं वो पंचायत सचिव से एनओसी पे साइन करवाएंगे, जो प्रखंड शिक्षक हैं, ठीक है, जो प्रखंड शिक्षक हैं वो बीपीआरओ से साइन करवाएंगे, और जो नगर शिक्षक हैं वो कार्यपालक सहायक से साइन करवाएंगे। दोस्तों, कई जगहों पे जो बीपीआरओ है इन्हीं को कार्यपालक सहायक की भी जिम्मेदारी दे दी गई है, आप उनसे पूछ लीजिएगा। और ये सभी लोग आपके ब्लॉक में बैठते हैं, ये सारे लोग आपको कहाँ मिलेंगे, ब्लॉक में ही मिलेंगे, ठीक है, या तो ये ब्लॉक में होंगे या अभी ब्लॉक में आपको नहीं भी मिलेंगे, कारण कि इन सभी को भी लगा दिया गया है आपके विद्यालय का इंस्पेक्शन में, निरीक्षण में लगा दिया गया है। तो जब आप वहां पे जाइएगा तो पता चलेगा कि वो निरीक्षण में गए हुए हैं। एक तो आप रिस्क लेकर के वहां पे जा रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ये समस्याएं आ रही है दोस्तों। मैं खुद गया था जब पंचायत सचिव से साइन करवाने, तो पंचायत सचिव ब्लॉक में उपस्थित नहीं है, और समस्या यहाँ पे ये उत्पन्न हो रही है कि अभी अभी पंचायत सचिव का ट्रांसफर हो गया, नए नए पंचायत सचिव आ रहे हैं, और इस वजह से उनका मोबाइल नंबर भी कहीं मिला नहीं, और एक तो 3:30 बजे किसी तरह से हिम्मत करके निकल रहे हैं, तो वो मिल जाए तो नहीं, तो पता चल रहा है कि वो भी निरीक्षण में गए हुए हैं। तो समस्याएं आ रही है अभी एनओसी पे साइन करवाने के लिए। तो इसका ऑप्शन भी है, आप चाहे तो अपना फॉर्म को ज्वाइनिंग लेटर से भी फिल कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर या एनओसी में से कोई भी एक अपलोड आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे आप लोग का आ रहा है, दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि आपका
ये देख लीजिए, दूसरा जो प्रश्न है वो नगर शिक्षक क्या करे, तो नगर शिक्षक क्या करे ये आपका क्लियर हो गया कि नगर शिक्षक का कहाँ से बनेगा, जो कार्यपालक सहायक हैं ये वो उनका करेंगे, ठीक है। ये भी प्रश्न कई शिक्षकों की तरफ से पूछा जा रहा है, तो ये वाला क्लियर हो गया आपका कि नगर शिक्षक जो है वो आपके कार्यपालक सहायक से NOC लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मेट के बारे में मैं आपको स्पष्ट बता दिया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 3-4 तरह के फॉर्मेट चल रहे हैं। कोई कोई एक ऐसा फॉर्मेट आ गया है ना जहाँ पे आपका यहाँ पे HM का साइन होगा, तो यहाँ पे फिर से आपका BEO का साइन होगा, और यहाँ पे आपके पंचायत सचिव या जो आपके BPRO हैं उनका साइन होगा। तो इस तरह का भी फॉर्मेट आपके मार्केट में घूम रहा है, तो ये भी ठीक है। एक जो पंचायत वाला जो चल रहा है, यहाँ पे आपका HM का साइन होगा और यहाँ पे आपके पंचायत सचिव का, ठीक है, यहाँ पे आपके पंचायत सचिव का साइन होगा। तो ये वाला भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे ये पंचायत सचिव का साइन होना चाहिए, इस BPRO का साइन होना चाहिए, नगर वाले जो है उनका कार्यपालक सहायक का साइन होना चाहिए। अब शायद इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या किन्हीं को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिये NOC में किसका साइन होगा, तो ये आप स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है ना, कि एक में पंचायत वाले में पंचायत सचिव करेंगे, BPRO करेंगे प्रखंड का, और यहाँ पे कार्यपालक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको लेकर के कई कमेंट किए गए हैं, उन कमेंट्स को भी हम लोग लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए कुछ कमेंट्स आए हुए हैं दोस्तों NOC को लेकर के, NOC को लेकर के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, तो हम लोग इन सारे कमेंट्स को देख लेंगे और आपका इससे संबंधित सारा समस्या सोल्व हो जाएगा। एडिट करने का मौका मिलेगा क्या सर, तो बिल्कुल चांसेस है कि आपको एडिट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, पूरी तरह से आप कंफर्म रहिए, आपको एडिट करने का मौका जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है ये एग्जाम डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ेगा पास नहीं, चलो ठीक है। 6-8 वालों के लिए कोई न्यूज है क्या, ठीक है, ये अभिनंदन कुमार जी का है। तो देखिये 6-8 वालों के लिए अभी तो फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, ठीक है, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि अभी 6-8 वालों के लिए किसी भी तरह का कोई न्यूज अभी विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। 35,000 आप सबको मालूम है कि 6-8 में आपकी जो रिक्तियां हैं वो 35,000 रिक्तियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इन रिक्तियों को हमें प्रमोशन से भरना है, प्रमोशन से भरना है, इसलिए नई बहाली यहाँ पे वो नहीं कर रही है दोस्तों, ठीक है ना, ये बात है। तो अभी फिलहाल कोई न्यूज उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरी यहाँ पे एक कमेंट है कि साइट ही नहीं चल रही है, तो बिल्कुल ये बात सही है कि साइट क्रैश हो चुका है, BPSC का जो साइट है दोस्तों वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, पिछले 24 घंटे से कोई भी फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, तो ये साइट आपका BPSC का क्रैश हो चुका है। अतुल प्रसाद BPSC के चेयरमैन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई साइट तो अच्छे से कर दीजिए कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन शिक्षक अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो फॉर्म को फिल करने में दोस्तों, ठीक है। जब आप फॉर्म दिए हैं और फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा है तो समस्या तो होगी ना, तो किसी भी तरह से आप ऐसा साइट को बनाइए कि क्रैश ना हो, फॉर्म आसानी से फिल हो जाए। मतलब कैसा साइट है भाई, दिन में नहीं चलता, रात में नहीं चलता, सुबह में चलता है, रात को 12 बजे के बाद चलता है, और सुबह में 6 बजे के बाद नहीं चलता है, पूरे दिन भर नहीं चल रहा है। मतलब अतुल प्रसाद सर एक बार इस पे भी आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। अगला जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो कमेंट्स है कि एडिट करने का साइट हो गया ये वाला, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है इनका क्वेश्चन है कि सर NOC नहीं मिल रहा है, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई साहब ये काफी परेशान है, NOC इनको नहीं दिया जा रहा है, जो नियुक्ता है वो NOC नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 9465 इस तरह से इनका IDR है, जैसा कि आपको पता है कि अब जो ईमेल है वो ईमेल में आपका सीधा नाम नहीं आता है, अब जो है वो सीधा यहाँ पे @ आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि NOC नहीं मिल रहा, आप फॉर्म को फिल कर दीजिए ज्वाइनिंग लेटर से, ठीक है, जो ज्वाइनिंग लेटर है ज्वाइनिंग लेटर के आधार पे आप फॉर्म को फिल
कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वहां से जा करके और उनसे एनओसी ले ले। और जरूरी है दोस्त, ठीक है, यदि एनओसी आपके पास नहीं होगा तो समस्या होगी, ठीक है, एनओसी नहीं रहेगा तो समस्या होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो इनका क्वेश्चन है यहाँ पे कि एडिट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो बिल्कुल एडिट करने का मौका मिलेगा। इन्हें किसी ने सजेशन भी दे दिया है कि भाई आप उसे पूरा तरह से कैंसिल ही कर दीजिए, तो कोई जरूरी नहीं है फिलहाल कैंसिल करने के लिए, एडिट करने का मौका मिलेगा। और जो भी आपकी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, तो आप बिल्कुल निफिक्की रहिए, बिल्कुल निफिक्की रहिए कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है, ठीक है। बीपीएससी को पैसा चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें पैसा मिल रहा है, आपको एग्जाम देने की मौका दिया जाएगा, ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। यदि आप गलत फॉर्म को फिल किए हैं, ठीक है, गलत कहाँ पे हुआ है, गलत हुआ है कि जहाँ पे डालना है सर्टिफिकेट नंबर तो आप डाल दिए हैं वहाँ पे सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, यही सब कुछ हुआ है ना, रोल नंबर, तो इससे किसी भी तरह का कोई घबराहट नहीं है। उन्हें क्या मालूम है कि ये आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और आपको सर्टिफिकेट भी तो वहाँ पे अपलोड कर चुके हैं ना, इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म आप फिल किए हैं, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये कमेंट है, एनओसी नहीं बन रहा है सर, ये फिर एक कमेंट है यहाँ पे कि एनओसी नहीं बन रहा है, एबीसी है ये कमेंट किए हैं, तो क्या किया जाए, तो एनओसी नहीं बन रहा है, उसका उपाय मैं बता दिया हूँ, आपको लगना होगा और लग करके आप एनओसी किसी भी हाल में इसको बनवा लीजिए। अभी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो आपका 12 जुलाई लास्ट डेट है, तो 12 जुलाई से पहले आपको हर हाल में आपके पास एनओसी होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि सचिव साइन नहीं कर रहे हैं एनओसी पर, क्या करें। देखिए ये भी एक समस्या हो रही है, ठीक है, जो सचिव हैं वो साइन नहीं कर रहे हैं बहुत जगहों पे, ठीक है, इसके चक्कर में वो चाहते हैं कि हमें ये मिले और इस वजह से वो साइन नहीं कर रहे हैं बहुत जगहों पे। तो जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, बीपीएससी चेयरमैन बैठे हुए हैं, जो वहां से तो आप संशोधन कर दिए कि आप एनओसी ले ले, अब एनओसी पे साइन नहीं हो रहा है, तो इसे भी आप संज्ञान में लें, जो सरकार है आप संज्ञान में लें कि ये इसका जो लत लग गया है ना, दूसरे जो ऑफिसर्स हैं, दूसरे विभाग के जो लोग हैं, ये जो लत लग गया है इसको भी कम किया जाए, ठीक है ना, ये भी कम किया जाए, कभी हमें भी भेजिए उस डिपार्टमेंट में निरीक्षण करने के लिए, तब असली आईना आपको दिखाई देगा कि आखिर उस डिपार्टमेंट में क्या होता है और इस डिपार्टमेंट में क्या होता है। आप लोग को भी सारा कहानी मालूम है, आय, जाति, आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, हर चीज में कुट कुट के भरा हुआ है, और वहां पे जो बैठे हुए हैं ना क्लर्क और चपरासी, वो भर भर के लेते हैं, तब आपका सारा कुछ बन रहा है। ये तो फॉर्म जो आया है ना, इससे सबकी कमाई हो रही है, सबकी कमाई हो रही है इस फॉर्म से, सारे लोगों के, आय, जाति, आवासीय बनाने वालों की कमाई हो रही है, साइबर कैफे वाले की कमाई हो रही है, आपका बुक वाला का कमाई हो रहा है, कोचिंग वाला का हो रहा है, यूट्यूबर का हो रहा है, सबका हो रहा है, भर भर के हो रहा है एकदम, ठीक है। तो ये जो है ये समस्याएं आ रही है, कई जगहों पे आ रहा है ये चीजें, कई लोग कमेंट करके या फोन करके मैसेज करके बता रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है, हम लोग करें तो क्या करें, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया जाए कि ऐसा बिल्कुल ना हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये और भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट कीजिए और मैं कमेंट में आपके सभी प्रश्नों का आंसर दूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस है, जहां पर भी कंफ्यूजन्स हैं, आप जरूर कमेंट कीजिए और उस कमेंट का मैं वीडियो बना करके आपको आपकी समस्याओं का सॉर्ट आउट करने का पूर्ण कोशिश करूंगा दोस्तों। बहरहाल आज के वीडियो में था, फिर मिलता है अगले वीडियो में, आप संशय बने के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।